भाग्यशाली कौन है? आज भी भारतवर्ष में कितने सारे लोग हैं जो BPL लाइन के नीचे आते हैं, जो गरीबी की रेखा होती है, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग स्टेशनों पर कचरे के डब्बे में अपना भोजन फेंक देते हैं और उस भोजन को छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। तो हमारे मन में विचार आता है कि जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमें लगता है कि सबसे बड़े भाग्यशाली हम हैं, क्योंकि हमें दो वक्त का भोजन मिला है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। तो एक कथा आपको भगवान की उसी कृपा की याद करवाएगी। आप मुझे बताओ कि हमारे पास इस वक्त सबसे कीमती चीज क्या है? कोई बता पाएगा? आज हम सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हो, ये सबसे कीमती चीज आज आपके पास है। ये केवल श्री राम की कृपा से आपको प्राप्त हुई है, इसलिए उस भगवान का हमें ध्यान, चिंतन, मनन करना चाहिए। हर दिन लाखों लोग मरते हैं, आप उनमें से एक भाग्यशाली हो जो आज की सुबह देखी है। हम सब भाग्यशाली हैं। लाखों लोग एक दूसरे को मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग दुखी होते हैं। आप नज़र घुमा लो आपके आसपास के लोगों के ऊपर, जिनसे आप प्रेम करते हैं, क्या वो जिंदा है? अगर हाँ, तो आज के दिन के लिए आप सबसे भाग्यशाली हो। लोग पूछते हैं ना, भाग्य में क्या है, किस्मत में क्या है? अरे, सबसे बड़ी किस्मत ये है कि आज आप जिंदा हो। हमारे पास भगवान ने दी हुई सांस है, इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। जिस दिन ये सांस बंद हो जाएगी या सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हर एक सांस का, हर एक ऑक्सीजन का आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही एक आदमी हॉस्पिटल गया, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने उसे इलाज करके 5 लाख का बिल बना के दिया। तो वह आदमी बिल को पढ़ के रोने लगा, तो डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ बाबा, क्या आपके पास पैसे नहीं है? तब उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरे
पास पैसे तो है, मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, किंतु मैं आज इस बिल को देखकर मुझे मेरे भगवान की याद आ गई। आपने केवल 2 दिन मेरा दिल संभाला तो लाखों में बिल बनाया, किंतु मेरा भगवान तो बचपन से आज तक मेरा दिल संभाले बैठा है। लेकिन आज तक एक पैसा नहीं लिया, आज तक मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज उसकी कृपा को याद करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया लेकिन पैसे नहीं लिए। ये जमीन, ये दौलत तो भगवान ने हमें मुफ्त में दे दी है, किंतु हम इस जमीन के टुकड़े के लिए अपने माता भाई इनसे झगड़े करते, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको दुख देते हैं और उससे हम करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन भगवान ने तो हमें ये मुफ्त में दे दी है। लेकिन किया कहते हैं ना, मुफ्त की कीमत लोग नहीं समझते। भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है और ये जीवन दिया है, ये सांस दी है, इसलिए जिसने हमें ये जीवन दिया है उस भगवान को मत भूलिए, उसे सदैव याद कीजिए। सबसे कीमती मनुष्य जन्म हमें उसने दिया है, इसलिए उस भगवान का स्मरण, चिंतन और ध्यान करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो श्री राम जी को याद करता है, जो राम जी का भजन करता है, उसका जीवन अवश्य बदल जाता है, उसके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। और जो भगवान की भक्ति करता है ना, वही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। इसलिए हमारे प्यारे श्री राम जी का ध्यान करो, भक्ति करो, इसमें ही आपका हित है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।